हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट्स किताब के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो आजकल बहुत ही सुर्खियों में है। ये देश छोटा होने के साथ साथ दुनिया के अमीर तराज देशों में गिना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कतर देश की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत से हजारों लोग हर साल कतर में काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे देश भारत की तरह ही कतर भी एक समय पर ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था। दोस्तों, 1971 में कतर देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। दोस्तों, कतर की पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर अमेरिका से भी आगे माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के मुकाबले कतर में पर कैपिटल इनकम इंडिया से 25 से 30 गुना ज़्यादा है। कतर देश में मुस्लिम आबादी रहती है, यहाँ पर 75% आबादी मुस्लिम ही है। कतर देश की 90% कमाई सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस से होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा करोड़पति जहाँ पर रहते हैं वो है कतर देश। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि कतर देश में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कमाई होती है वो सिर्फ आपकी ही होती है। दोस्तों, कतर में दुनिया भर के 180 देशों के लोग काम करने के लिए आते हैं। कतर में कोई भी गरीब नहीं होता है। दोस्तों, अगर मैं बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो कतर में सिर्फ ये 1% ही देखने को मिलेगी, मतलब कि ना के बराबर। दोस्तों, कतर में आपको 80% पुरुष और सिर्फ 20% महिलाएं ही दिखेंगी। ज़्यादातर लोग कतर में सिर्फ काम की तलाश में आते हैं। कतर में करंटली पॉपुलेशन की बात करूं तो यहां पर 29 लाख के लगभग लोग रहते हैं। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो कतर के मूल निवासी हैं, मतलब कि 85% लोग बाहर देशों से आकर कतर में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। तो दोस्तों, कतर में बर्गर भी पेट्रोल से महंगा है। कतर में आपको बर्गर के लिए 250 रुपये देने होंगे। अब मैं आपको बता दूं, कतर में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 45 रुपये है। यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि कतर में सिर्फ 1% हिस्से में ही खेती होती है। दोस्तों, कतर में खाने पीने की सभी चीज़ें विदेशों से आयात की जाती हैं। दोस्तों, कतर में दो तरह के कानून हैं। पहला कानून है शरिया लॉ और दूसरा कानून है सिविल लॉ। दोस्तों, शरिया लॉ कुरान पर आधारित है, इसीलिए कतर में शराब पीना, बेचना और खरीदना मना है। पर इसके लिए होटल्स और रेस्टोरेंट को बाहर रखा गया है, पर उसके लिए इन्हें परमिट लेना होता है। दोस्तों, कतर में ड्रग्स का सेवन करना और गंदी फिल्में देखना मना है। गंदी फिल्में देखने से शरीर पर बहुत नुकसान होता है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, कतर में आप किसी भी धर्म की निंदा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है, और अगर आप विदेशी हैं तो आपको कतर से निष्कासित कर दिया जाता है और कभी भी नौकरी दोबारा नहीं मिलती। अगर मैं कतर देश की महिलाओं की बात करूं तो कतर में महिलाओं को कोई ज्यादा आज़ादी नहीं मिली है। कतर में महिलाएं ड्राइव तो कर सकती हैं, लेकिन कतर में महिलाएं अपनी मर्जी से छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। दोस्तों, कतर एक पढ़ा लिखा देश है, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, यहाँ का लिटरेसी रेट 97% है, मतलब 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, अगर मैं कतर के टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका कुल क्षेत्रफल 11,571 वर्ग किलोमीटर है, और कतर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 164वें नंबर पर आता है। अब इतना छोटा देश होने के बावजूद भी कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला देश है, और इसके लिए कतर में दुनिया के बहुत ही मॉडर्न स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलता हूं अगली वीडियो में।